नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हम सबके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? एसएससी एमटीएस के जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं उनके काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। जब से वो एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं एमटीएस एग्जाम के लिए, देन ज्वाइनिंग तक काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं उनके दिमाग में, क्योंकि एसएससी एमटीएस किसी की भी एक डेस्टिनेशन जॉब नहीं होती एंड इससे आगे सभी बढ़ना चाहते हैं। तो सभी के काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं एंड मेन क्वेश्चन होता है कि वहाँ पर काम क्या होगा, ऑफिस आवर्स क्या रहेंगे, स्टाफ कैसा मिलेगा, सीनियर्स कैसे होंगे, छुट्टियां मिल पाएंगे क्या नहीं, स्टडी टाइम मिलेगा क्या नहीं, प्रमोशन एस्पेक्ट्स कैसे हैं, इन केस हम कोई और जॉब नहीं ले पाते हैं, अगर किसी अदर स्टेट या सिटी में हम सिलेक्ट होते हैं तो ट्रांसफर पॉसिबिलिटीज कैसी हैं, तमाम ये क्वेश्चंस रहते हैं आपके। एंड यही सब क्वेश्चन आपके डिफरेंट यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में देखने को मिलते हैं, डिफरेंट वीडियोज़ के कमेंट्स में देखने को मिलते हैं, ऐसे ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आते हैं क्वेश्चंस, हमारी वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में भी आते हैं एंड आप सब मित्र ही पूछते हैं। एंड इन सब क्वेश्चन का जवाब एक एमटीएस से बेहतर कौन दे सकता है? तो मेरा नाम है जतिन कुमार एंड मैं काम करता हूँ एसएससी एमटीएस के थ्रू एक एग्ज़ाम से सिलेक्ट होके इनकम टैक्स मुंबई में। एंड मुझे अब एक साल हो गया है, 6 सितंबर 2021 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी एमटीएस 2019 के बैच से। मैं सिलेक्टेड एमटीएस हूँ एंड यहाँ पर मुझे एक साल हो गया है काम करते हुए। इस बीच मैंने आप सबके लिए काफ़ी वीडियोज़ भी बनाई हैं, अपडेट्स दिए हैं एंड कोशिश की है कि आप सबकी पॉसिबली जो भी मैं कर पाऊँ वो हेल्प की जा सके एंड वो मैंने कोशिश भी की है करने की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या मेरा काम रहा है एंड एक साल में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है एंड एक्चुअली क्या काम होता है एमटीएस का। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी एक साल पहले, लगभग 11 महीने पहले, एंड उस पर भी आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया एंड काफ़ी पसंद भी आई आपको वो। एंड अभी एक साल का एक्सपीरियंस हो गया मेरा एंड मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं डिपार्टमेंट में, मतलब एमटीएस के लिए स्पेशली, नॉट डिपार्टमेंट का वर्क वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बट एमटीएस के लिए जो चीज़ें होती हैं, जो काम होते हैं वो सभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, हॉलीडेज लीव्स बाकी सब डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आप आने वाली ज़रूरी वीडियोज़ मिस ना कर पाएँ, अपडेट्स मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम एमटीएस का काम क्या होता है, जो मेन क्वेश्चन रहता है आप सभी का। एमटीएस के काफ़ी काम होते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ इसका नाम है, दैट मीन्स कि बहुकार्य कर्मचारी। एंड बहुकार्य क्या क्या हो सकते हैं आपके? मेन काम होता है आपका ऑफिसर को असिस्ट करने का, वो जो भी काम आपको बोलेंगे ऑब्वियसली ऑफिशियल वर्क ही बोलेंगे वो आपको, कोई भी ऐसा काम नहीं होता है जो अनऑफिशियल हो। तो जैसे कि आपको कोई भी फाइल लाने को बोल सकते हैं, किसी अदर ऑफिसर को बोल सकते हैं, जूनियर ऑफिसर को, किसी अदर ऑफिसर को अपना मैसेज कन्वे करने को बोल सकते हैं, आपको कोई ड्राफ्ट तैयार करने को बोल सकते हैं, कोई लेटर बनाने को बोल सकते हैं। एंड स्टाफ में भी काम रहता है आपका, आपको चाय भी लानी पड़ सकती है। काफ़ी क्वेश्चन ये रहते हैं कि क्या ये चाय वाला काम होता है या नहीं होता है। देखिए ये ज़रूर होता है, कई जगह इसके लिए आपका प्राइवेट स्टाफ होते हैं, कई जगह इसके लिए आपका जो एमटीएस है वही काम करते हैं। एंड मुझे सरप्राइज होता है कि इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें झिझक महसूस होती है, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो झिझकते हैं कि ये काम मैं करूँगा क्या। देखिए आप एक 10th बेस वाला एग्ज़ाम क्लियर करके जॉब लेने वाले हो, आपने अप्लाई किया है उस 10th बेस वाले एग्ज़ाम के लिए जिसका क्वालिफिकेशन ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10th है, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि ये काम मेरे लायक नहीं है तो सबसे पहले आपको ये एग्ज़ाम अप्लाई नहीं करना चाहिए था। मैं ये नहीं कहूँगा ये सबके लिए है, बट कुछ होते हैं कैंडिडेट्स जिनके मन में ये रहता है कि भाई क्या मैं ये काम करने के लिए बनाऊँ। देखिए बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका एंड बिल्कुल सही आता आपके दिमाग में कि क्या मैं ये काम करने के लिए बनाऊँ, बट इससे पहले आप ये सोचें कि क्या आपके लिए जॉब ज़रूरी है या नहीं। मेन पॉइंट ये है, तो ये गवर्नमेंट जॉब है, इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। मेरी सैलरी स्टार्टिंग में 27,900 थी इन हैंड एंड मुंबई में ये एक सिटी है एंड अभी ऑलमोस्ट 29 प्लस हो गई है, ठीक है। एंड ये ठीक ठाक सैलरी है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा मुंबई के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। एंड जॉब सिक्योरिटी रहेगी आपकी, आप इजीली आप जॉब से नहीं हटाए जाओगे अंटिल अनलेस आप कुछ बहुत ज़्यादा गलत करो, ठीक है। एंड जॉब सिक्योरिटी तो रहेगी रहेगी आपके, टाइमली आपको अदर फैसिलिटीज भी मिलेंगी, हॉलीडेज वगैरह एंड ये सब मिलते रहते हैं आपको। तो काम यही है कि आपको स्टाफ में भी काम करने को मिलेगा, डायरी डिस्पैच इनवर्ड आउटवर्ड एंड
आपको अदर ऑफिसेज भी भेज सकते हैं, आपको लेटर पोस्ट करने के लिए भेज सकते हैं, नोटिस सर्वर का काम भी होता है काफी। कई बार नोटिस सर्वर एब्सेंट होते हैं या अवेलेबल नहीं होते स्टाफ में। वो नोटिस सर्वर क्या होते हैं कि जैसे एक जगह से दूसरी जगह टपाल लेके जाना, टपाल मतलब कि लेटर्स वगैरह या कोई अदर नोटिस जो आपका एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भेजना है, ठीक है, तो वो काम रहते हैं आपके। एंड स्टाफ में क्या काम होता है, स्टाफ में वही भाई आपको डायरेक्ट डिस्पैच रिकॉर्ड करने को बोल देंगे कि आपको जो लेटर्स आए हैं, जो लेटर्स जा रहे हैं, जो इंटरनली सर्कुलेट हो रहे हैं। अगर मैं अपने काम की बात करूं तो मुझे ऑफिसर के साथ लगाया हुआ है। मैं बेसिकली ऑफिसर को असिस्ट करता हूं, जब भी बेल बजती है तो अंदर जाना होता है, देन वो जो काम बोलते हैं वो काम करना होता है, कभी चाय लाना, कभी कॉफ़ी लाना, कभी गैस के लिए कॉफ़ी लाना, कभी किसी ऑफिसर को बुलाना, कभी किसी स्टाफ मेंबर को बुलाना, कभी किसी टीए को, कभी किसी इंस्पेक्टर को बुलाना, कभी कोई फाइल लाना, कभी कोई फाइल बाहर लेके आना, एंड कभी किसी लेटर को किसी दूसरी एम्प्लॉय को देना। यही सब काम होते हैं बेसिकली स्टाफ में मेरे काम रहते हैं। कई बार जरूरत पड़ने पे जैसे डायरेक्ट डिस्पैच वगैरह एंट्री करना, एंड टपाल बोलते हैं यहाँ पे, इनवर्ड आउटवर्ड लेटर्स जो होते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना, फाइल्स वगैरह कई बार लगानी होती हैं अलमीराज वगैरह में, तो वो सब काम रहते हैं। एंड कई बार जरूरत पड़ने पे कंप्यूटर पे एंट्री करना, तो देखिए जहाँ पे जैसे आपका रिक्वायरमेंट होगी उस तरह का काम आपको दिया जाएगा। कॉफ़ी चाय के लिए हमारे ऑफिस में टी मेकर है, कॉफ़ी मेकर है, वहाँ पे वो उन्होंने एक अलग से एम्प्लॉय प्रोवाइड किए हैं, मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय हैं वो, एंड वो चाय या कॉफ़ी बना के दे देते हैं। उनकी टाइमिंग्स रहती है बेसिकली 10 से 6 के अराउंड, एंड उसके बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद हमें खुद भी बनानी होती है, वो चाय कॉफ़ी ऑफिस स्टाफ के लिए फ्री होती है। साफ सफाई के लिए बेसिकली प्राइवेट स्टाफ है, एंड मैं कहूँगा इन केस प्राइवेट स्टाफ नहीं भी है तो भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए करंट पोस्ट पे काम करने के लिए, ठीक है। एंड किसी भी काम को आपको, मैं नहीं कहूँगा कि आपको नीचे नज़रों से देखना चाहिए कि ये काम बुरा है या ये काम मेरे लायक नहीं है। सभी काम इंसान के लिए बने हैं, एंड कोई भी किसी काम को कर ले तो वही एक बड़ी बात होती है, ठीक है। एंड हाँ, मैं ये कहूँगा इसमें आपको पढ़ाई का टाइम बहुत मिलेगा। काम तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, अब पढ़ाई का टाइम मिलेगा या नहीं, पढ़ाई का टाइम आपको बिल्कुल मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस आवर्स आपको रात को 9-9 बजे तक रुकना पड़ जाता है, तो वो बिजी टाइम से रहता है। आपको भी पता होगा कि उस टाइम पे आपको ऑब्वियसली कोऑपरेट करना होगा एंड काम करना होगा। काफ़ी बार ऐसा रहता है कि काम थोड़ा कम होता है एंड आपको टाइमिंग मिलती है, ऑफिसर भी आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ऐसे अननेसेसरीली वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। स्टाफ काफ़ी अच्छा होता है, टाइम आपको मिलता है पढ़ाई के लिए। बीच में आपको ये नहीं कहूँगा कि मैं आप एक ऐसे कैंडिडेट की तरह पढ़ सकते हो जो कहीं जॉब नहीं कर रहा है, उसके पास सिर्फ पढ़ने का ही टाइम है, वो पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी आपकी, बट हाँ डेफिनेटली आपको टाइम इतना मिल जाएगा कि ऑफिस में कभी भी 1-2 घंटा निकाल के एक मॉक टेस्ट दे लो या कोई एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर लो किसी वीडियो को देख के, कोई जीके की वीडियो देख लो, आप इंग्लिश के रिगार्डिंग आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। अगर मैं बात करूँ लीव्स के एंड हॉलीडेज की, तो गजेटेड हॉलीडेज तो आपकी रहती हैं, लीव्स भी आपको मिलती हैं, 8 CL मिलती हैं, 2 RH मिलती हैं, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज, कैजुअल लीव्स, एंड आपको 30 EL मिलती है अर्नड लीव्स, मतलब कि जो लीव्स आप कमाते हो साल में काम करके। ये लीव्स ऐसी होती है अगर आप ना लें तो 300 लीव्स इकट्ठा होने के बाद लीव एनकैशमेंट भी आपका हो जाता है, वो आपका टाइम लगता है। ओब्वियसली एक साल में आप 30 ही मैक्सिमम अर्न कर सकते हो, एंड अगर आप 300 लगातार अर्न भी कर रहे हो तो 10 साल तो आपको लग ही जाएंगे, उससे ऊपर आप इकट्ठा नहीं कर सकते हो, वो आपको लेनी ही पड़ेंगे, अगर नहीं लोगे तो आपको वो बेकार जाएंगी। तो लीव्स की बात होगी। अगर हम ऑफिस आवर्स की बात करें तो आपके ऑफिस आवर्स मैक्सिमम ऑफिस में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ही रहते हैं। कुछ ऑफिस में वर्कलोड की वजह से हो सकता है आपको रात को 8-9 बजे तक रुकना पड़ जाए, एंड ये ऑफिस आपके हमेशा तक के लिए नहीं रहते, ट्रांसफर होते रहते हैं आपके, ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया काफी डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर्स हैं। कुछ डिपार्टमेंट में आपके ट्रांसफर्स बंद हैं एक चार्ज से दूसरे चार्ज में, जैसे हमारे इनकम टैक्स मुंबई में ट्रांसफर्स नहीं है बाहर अपने चार्ज से, हाँ इंटरनली आपके ट्रांसफर होते रहेंगे, मतलब जोन के अंदर अंदर ही डिफरेंट ऑफिसेज में साल में 2 साल में 3 साल में से ट्रांसफर होते रहते हैं। तो जरूरी नहीं आप एक ही ऑफिस में रहो, एंड ये भी जरूरी नहीं है आपके टाइमिंग्स एक जैसे रहें, लेकिन 10 से 6 आप मान के चलो इतना रहेगा आपका। किसी किसी दिन हो सकता है आपको बाय लक थोड़ी जल्दी छुट्टी मिल जाए। एंड ट्रांसफर की बात होगी, एंड प्रोमोशन की बात करें तो इनकम टैक्स में काफ़ी अच्छे खासे प्रोमोशंस हैं आपके। मेरा ऑलरेडी टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो गया जो टीए के लिए है,
एंड अक्टूबर में अभी एग्जाम होने वाला है, मिनिस्ट्रियल एग्जाम सीनियर टीए के लिए। होपफुली वो भी क्लियर हो जाएगा अगर मैं थोड़ी अच्छे से प्रिपरेशन करूँ। तो ट्रांसफर नहीं है बट प्रमोशन ठीक ठाक है। बट अगर मुझे होम पोस्टिंग चाहिए, जो कि मुझे चाहिए, तो मुझे सीजीएल वगैरह के लिए प्रिपरेशन करना होगा एंड टाइमिंग एडजस्ट करनी होगी मुझे। एंड वो मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। अभी तक मैंने सीजीएल इसलिए नहीं दिया है क्योंकि मेरी पहले ग्रेजुएशन नहीं हो पाई थी ड्यू टू सेवरल रीजंस, एंड मैं बीच में छूट गई थी। देन मैंने दोबारा भी ग्रेजुएशन की है एंड होपफुली मेरा रिजल्ट आने वाला ग्रेजुएशन का, जिस बेस पे मैं अभी सीजीएल दूंगा। एंड आशा यही है कि सीजीएल की जो फॉर्म फिलअप लास्ट डेट है उससे पहले मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाए, जिससे कि ये बंपर वैकेंसीज मेरे हाथ से ना छूटे। एंड कोशिश यही है कि कोई ना कोई पोस्ट लेके मैं होम पोस्टिंग ले लूं, जिससे कि मुझे बार बार एग्जाम ना देने पड़े एंड मैं संतुष्ट हो जाऊं। लेकिन इंसान संतुष्ट तो नहीं होता है, एक पोस्ट लेने के बाद ऊपर की कोशिश करता ही है। एंड आप सबको भी मैं यही सलाह देता हूं कि आप एमटीएस में एक बार आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सब मिलेगा, सैलरीज मिलेगी, टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए एंड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको आगे बढ़ने के लिए, काम सीखने को मिलेगा, एक जॉब हो जाएगी गवर्नमेंट जॉब, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आप फिर आप कितना भी ऊपर जा सकते हो। एग्जाम्पल है हमारे पास, एमटीएस से आईएएस भी बना हुआ कोई ना कोई, एंड इंस्पेक्टर वगैरह तो बनते ही रहते हैं, मेरे साथ के ऑलरेडी बने हुए हैं। उनका ये एटीट्यूड कभी नहीं था कि मैं ये काम नहीं करूंगा, वो काम नहीं करूंगा। जीएसए इंस्पेक्टर बने हैं, मैं ऐसे दोस्तों को भी जानता हूं जो एमटीएस से अभी डबल ए ओ बने हैं, एंड मैं नहीं बना हूं अभी तक, मैं भी बन जाऊंगा। बट हाँ, आप मेहनत करोगे तो जरूर बनोगे। पहले एक जॉब पा लीजिए, अगर आप सीजीएल में नहीं जा पा रहे हैं एंड अभी एमटीएस आपके लिए ऑप्शन है तो आप जरूर इसे चूज कीजिए। एंड जैसे ही कोई और जॉब मिलती है तो उसे छोड़ दीजिए। बट हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ऑलरेडी एमटीएस हैं एंड सेम स्टेट में दोबारा एमटीएस के लिए डीपी दे रहे हैं तो सीट मत वेस्ट कीजिए। बस यही था इस वीडियो में। कोई पॉइंट मिसिंग है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर का, सभी प्लेटफॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में, जुड़ जाएं हमसे। एंड आपके जो भी व्यूज़ हैं तो प्लीज़ हमें बताएं, हमें खुशी होगी कि आपको ये वीडियो कैसे लगी ये जान के। एंड लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक योर सेल्फ, बाय बाय, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।